भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये वही कांग्रेस और उनके वही नेता हैं जो कहते थे राम और रामायण काल्पनिक है। आज ये लोग वोट के लिए इच्छाधारी हिंदू बन रहे हैं। विजयवर्गीय ने कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। परासी विधानसभा स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कुर्सी की चिंता न करते हुए पहले राष्ट्र की चिंता करता है। भाजपा के लिए देश सर्वोपरि है, हमारे एक ही कार्यकर्ता के लिए दल से बड़ा देश है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध करती है और दिल्ली में ममता को लाकर और उससे गठबंधन पर राष्ट्रद्रोह का कार्य कराती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता अगर मजबूती से कार्य करता है तो चुनाव जीतना आसान होता है, इसलिए बीजेपी हर विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में गरीब किसान सभी का चौमुखी विकास हुआ है। ये सब कितने भी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता है, यदि पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता मजबूती से काम करता है तो वो चुनाव जीतना आसान है, और इसीलिए सारे प्रदेश में हर विधानसभा में पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन विधानसभा हो रहे हैं। हम सब लोग जाकर कार्यकर्ता, सरकार गरीब के साथ है, सरकार गरीबी के लिए काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं जो गरीबों को उनके गरीबी के पैरामीटर से ऊपर है, इसलिए विश्व को अगर आधार मानकर आप देखेंगे तो भारत एक बहुत बड़ी अर्थशक्ति बना है।